हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज यूचू सर। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए, अपने अपने घर में सुरक्षित हो गए। तो यहाँ पे मैंने कर दिया अपनी उसको म्यूट आवाज़ को, क्योंकि गिन्नी पीछे से बहुत ज़्यादा बोल रही थी, तो मेरे को लगा कि नहीं, रिव्यू कर रही हूँ तो समझ आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसका हेयर रिमूवर सोप है, इसका रिव्यू कर रही हूँ। बस गिन्नी तेरी वजह से मेरे को वो भी वो म्यूट करना पड़ा है। तो ये हेयर रिमूवर सोप है, इसका रिव्यू करना था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ कर देती हूँ। ये 10 रुपये का मिलता है, किसी भी लोकल मार्केट में मिल जाता है। कल तो हमारे यहाँ बाज़ार लगा था तो मैं वहाँ से लाई हूँ, 10 रुपये का, चांदनी सोप है। और इससे कोई मतलब साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बट आपको कहीं पे कटा फटा और अगर किसी को स्किन प्रॉब्लम हो तो वो आप यूज़ मत करना, ठीक है? मैं ये सजेस्ट करूँगी आपके लिए। और फेस पे भी यूज़ मत करना, क्योंकि यार फेस पे यूज़ नहीं करनी चाहिए ये सब चीज़ों को, क्योंकि फेस के लिए ना कुछ अलग ही, फेस के लिए कुछ अलग से मैं आपको बता दूँगी, बट अभी फेस के लिए ये यूज़ मत करना, क्योंकि ये फेस के लिए अच्छा होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट ये मैंने कभी फेस पे यूज़ तो करा नहीं है, ना मेरे घर में किसी ने किया है। हाथों पे मेरी जिठानी ने यूज़ किया हुआ है, हाथों पे, पैरों पे, पीठ पे, पेट पे, मतलब जहाँ के भी हेयर रिमूव करने करो, मगर फेस का इससे हेयर रिमूव मत करना, क्योंकि यार फेस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है और एक ऐसी चीज़ होती है जो सामने से दिखाई देती है, तो उसके लिए आप थोड़ा इसको ना ही यूज़ करें तो ही मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये सब। तो ये मैंने इसको ओपन कर लिया है, ये फॉइल पेपर में लिपटा हुआ है, और जितना मुझे यूज़ करना है मैं उतना ही इसको लूँगी। और गिन्नी मुझे यही परेशान कर रही है, तो अब तो वॉइस आएगी, क्योंकि मैं 2 बार इसको वॉइस ओवर कर करके रिमूव कर चुकी हूँ, क्योंकि गिन्नी बहुत बोल रही थी से, ठीक है? तो इसको मैंने थोड़ा सा एक कितना बताऊँ, एक ये देखिए इतना मैंने इसको ले लिया है, और इसमें कितना पानी, मतलब जितना मैंने मिट्टी ली है ना, जितना ये मैंने साबुन लिया है ना, उससे थोड़ा ज़्यादा मैंने पानी डाल दिया है और इसको मिक्स कर लिया। अगर आपको पानी बहुत कम लगे तो थोड़ा और डाल लेना, मगर ज़्यादा लिक्विडी भी मत करना और ज़्यादा ठीक भी मत करना। ये देखो इस तरह से पेस्ट बनेगा, जैसे मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट बनता है ना, उस तरह से। देखो मेरे हेयर दिखाई दे रहे ना आपको, तो ये देखिए इस पर मैं लगा लूँगी इसको चम्मच की सहायता से, क्योंकि मेरे पास ब्रश अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास ब्रश हो तो बहुत अच्छी बात है, आप उससे लगाइएगा। तो मैंने ये चम्मच से लगा लिया है, क्योंकि मुझे अब रिव्यू करके दिखाना था तो मुझे लगाना तो पड़ेगा। हाँ, तो ये देखिए एक हाथ पे ही लगाऊंगी, मेरे दूसरे हाथ पे मैं जल गई थी, आपको पता है, मैं अभी दिखाऊंगी भी आपको, तो इसलिए मैं दूसरे हाथ पे इसको यूज़ नहीं करूँगी, इसी वाले हाथ पे यूज़ करूँगी। और आप इससे कहीं के भी बाल साफ़ कर सकते हो, आपके पीठ के, कमर, मतलब कमर के, पेट के, हाथ के, और एज योर विश। तो इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है, और मैं जैसे कि बताया, रिपीट कर रही हूँ मैं, कटा फटे और जिसको स्किन की कोई प्रॉब्लम हो, स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, वो प्लीज़ मत लगाइएगा। और इससे मुझे कोई इचिंग वगैरह नहीं हुई है, कोई भी मतलब ऐसा नहीं हुआ जैसे बहुत ज़्यादा इचिंग हुई है, जैसे वीट में एक स्मेल आती है वैसी ही इसमें स्मेल आ रही है, और मुझे कुछ भी इसमें नहीं लगा, जैसे कुछ इचिंग वगैरह होती है वो नहीं लगा मुझे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको सूखा लूँगी, 5 मिनट रखने के बाद मुझे इसको रिमूव करना है। और देखिए ये जल्दी जल्दी सूखने भी लगा, क्योंकि एक तो गर्मी हो रही है, ऊपर से क्या पंखे के नीचे बैठी हुई, तो जल्दी सूखेगा। तो इसको मैं अच्छे से सुखा लूँगी। और यार ठीक है, कहीं भी इमरजेंसी में जाना हो तो ठीक है कि अपना बजट फ्रेंडली भी है, और लगा के 5 मिनट तो हमें, आधा घंटा तो आप नहाने में लोगे ही लोगे, तो 5 मिनट लगा के बैठ जाओ और फिर नहा लो, ठीक है? और क्योंकि अगर वैक्सीन वगैरह में जाते हैं तो फिर बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। देखो मेरी लड़की तो अभी भी मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, देखो आई ना आवाज़। तो यही होता है कि अगर हम वैक्सीन वगैरह करा जाते हैं, 1 से 1.5 घंटा जाता है और पैसे भी ज़्यादा जाते हैं, ठीक है? और वैसे वीट वगैरह भी ठीक रहती है, वीट की स्ट्रिप भी ठीक रहती है, मगर टाइम का एक होता है ना शॉर्टेज, वो हम लेडीज़ों के पास हमेशा होता है। तो यह है झटपट वाला एक तरीका होता है ना, वो वाला तरीका है। तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के आपको रिमूव करके दिखाऊंगी, बट मैंने सोचा कि नहीं, पानी डाल के रिमूव नहीं करती, क्योंकि इससे तो और ज़्यादा ये वो हो जाएगा। तो मेरे पास एक कॉटन का वो रखा हुआ था, तो मैंने उससे रिमूव किया और देखा कि सच में बाल हट गए हैं। और बाल हटने के बाद भी
कोई मतलब मुझे नुकसान नहीं हुआ, और मैंने इसको ऐसे ही ना हल्के हल्के से रिमूव कर लिया, पूरा पूरा रिमूव करके फिर मैं धो के आई थी। तो ये देखिए, और मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी, ये देखिए है ना पूरा रिमूव हो गया और बाल भी हट गए यार। सच में मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा था, बट हाँ सच में ये हुआ। मुझे लगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मगर मेरी जिठानी ने बताया कि हो जाता है, तुम करके देखना। तो मैंने सोचा कि अगर हो जाता है तो आपके साथ भी रिव्यू कर ही देती हूँ। तो मैंने इस तरह से इसको रुई से, आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा होगा बट मैं बहुत ज़्यादा स्लो स्लो कर रही थी क्योंकि मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट कर रखी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं हाथ धो के आ गई हूँ, और ये देखिए मेरा हाथ हो गया बिल्कुल क्लीन, ये देखिए है ना। और मैंने एक ही हाथ पे किया क्योंकि मेरे दूसरे हाथ पे जला हुआ है, आप सबको पता है, तो इसलिए मैंने किया नहीं है। और ये बहुत अच्छा लगा मुझे मेथड। अब इसके बाद कुछ मत करना, बस इसके ऊपर आप क्रीम लगा लेना, और 24 घंटे तक कोई साबुन वगैरह कुछ यूज़ नहीं करना बस। और ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें और